एशिया की नंबर वन मार्केट है। और अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दिल्ली का सदर बाजार। और दिवाली की वजह से ज़्यादा ही क्राउड है मार्केट में। भैया कहते हैं मोबाइल जेब में मत रखो, कोई निकाल लेगा, हाथ में लेके चलते रहो। फैमिली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिताली सैफुल्ला एंड हिज माय ब्रो खालिद सैफुल्ला। और जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हम लोगों का जो सफर था बिहार से दिल्ली तक का, तो हम लोगों ने आप लोगों से कहा था कि हम लोग दिल्ली आएंगे तो दिल्ली का व्लॉग बनाएंगे, लेकिन हम लोग व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी हो गए। सुबह से शाम तक मार्केटिंग करना हुआ और सामान उठाना हुआ, ये सब मैं आपको छोटा सा क्लिप्स दिखाऊंगा कि मैं किस तरह रिक्शा में बैठ के पूरा जामा मस्जिद के पास, भाई का कार्ड हो गया और भी बहुत सारा सामान था जो मैं कंधे पे ढोआ गधे की तरह, इस वजह से टाइम नहीं मिला। तो फिर हम लोग का कल ट्रेन है तो सोचे चलो आज व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सुनो रे सजनिया, सुनो रे सजनिया, तेरे बिन दुनिया तेरे बिन हर सुबह है, ये नहीं जा रे तेरे बिन आए रे, मुझे हमको प्यार है। लेट्स गो विथ माय ब्रो। हेलो फैमिली, तो हम लोग पहुंच चुके हैं सदर बाजार और यहां पर आ चुके हैं फिर से मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने। तो सदर में भैया फिर हमको गदर बनाने वाले हैं तो फिर सब सामान वामान उठाएंगे। हम लोग हैं सदर थाना के सामने पुलिस स्टेशन, अंदर हम लोग मार्केट जाएंगे। चले मार्केट, चलो देखते हैं क्या क्या है। चलिए तारी क्या आया है तो देख रहा है, बंदर को खड़ा हो गया। क्या देख रहा हो तारी, पहले नहीं देखे हो क्या? तारीख सदर बाजार में आपका स्वागत है। और यहाँ पे मैं आ रहा था तो किसी ने कहा कि अगर सदर बाजार तुमने कर लिया तो दुनिया का सारा बाजार कर लिया, बहुत ज़्यादा ही क्राउड है। हम लोग सदर बाजार आ चुके हैं और यहाँ आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। और बाहर इतना ज़्यादा भीड़ था कि भाई और हम जो है टोटो जो हवाई हवा हवाई रिक्शा होता है उसके अंदर में घुस घुस के हम लोग आ रहे थे पार्क में। और बहुत ज़्यादा क्राउड है आप देख रहे हैं, हमेशा इतना ही क्राउड रहता है ना, हमेशा नहीं रहते। दिवाली को लेकर के फिर आप देख रहे हैं और कहा है कि सदर बाजार अगर आपने कर लिया तो दुनिया का सारा बाजार कर लिया। एशिया की नंबर वन मार्केट है और अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ दिल्ली का सदर बाजार। ऐसे घूमिए मेरे साथ, आइए कुछ शॉपिंग भी करते हैं। और जब से आए तब से तो सिर्फ शॉपिंग ही कर रहे हैं। तो मार्केटिंग हम लोग का स्टार्ट हो गया है और ये हम लोगों ने येल्लो फूल लिया है और ये 100 के 5 हमने लिए हैं, ये आप देख रहे हैं। और दिवाली की वजह से ज़्यादा ही क्राउड है मार्केट में। और जैसा कि आपको पता है मेरे भाई का शादी बहुत जल्द होने वाला है, उसी का हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। भाई हमेशा ये मार्केट में भीड़ रहता है या फिर दिवाली के लिए ज़्यादा भीड़ है क्राउड? दिवाली को, अभी दिवाली के लिए। और दिन कितना भीड़ रहता है? नॉर्मल। और एशिया का नंबर वन मार्केट है सदर बाजार। चलिए तो फिर और भी हम दिखाते हैं कितने दूर तक फैली है ये मार्केट। 3 किलोमीटर के अंदर में फैली है। चलिए और मैं दिखाता हूँ, चलिए भाई मिलके बहुत बढ़िया लगा। स
सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। ओ सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना। ओ तू मेरा रोज कमल के चोज, तू मेरा रोज कमल के चोज। भैया कहते हैं मोबाइल जेब में मत रखो, कोई निकाल लेगा, हाथ में लेके चलते रहो। और यहाँ का सदर बाजार बिल्कुल हमारे बेतिया के मीना बाजार की तरह है, छोटा है। कौन सा 6 महीने का अपना वाला? ये वाला कितना साल का? 10 साल का। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खराब, क्राउड बहुत ज्यादा है। और देखिए भाई, इधर सामान लिए हैं और हम लिए हैं, और अभी सामान पे सामान लिए जा रहे हैं। जब हम लोग जाएंगे ना बेतिया अपने घर, तो आप देखिए कितना सामान हम लोग ले जाएंगे। भाई मार्केटिंग कुछ कर लिए हैं और कुछ बाकी है। अभी सदर मार्केट के बाहर है और भाई ने ओला किया, ओला का वेट कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा रश था, क्राउड था, जिस वजह से पूरा वीडियो हम लोग नहीं बना पाए। और अभी बारिश भी देखिए आप हो रहा है। फाइनली हम लोग घर आ गए, और एक्सपीरियंस अगर पूछिएगा सदर मार्केट का तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड था। और भाई मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगा तभी जाएंगे, वरना ये ऐसे नहीं जाएंगे। तो अगर आप घूमना चाहते हैं तो ऐसे घूमने मत जाओ, अगर ज़रूरी काम है तो आप जा सकते हो, क्योंकि वहाँ सामान जो है वो चीफ और बेस्ट मिलता है।